हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है NWDA के द्वारा निकाला गया है। मैं इसका फुल फॉर्म बता दूँ तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने डिप्लोमा 12th और ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मैं इसमें सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो आपका मिनिमम बनने वाला है 25,500 से लेके मैक्सिमम आपका 1,12,000 तक सैलरी आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे STDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, इन सभी चीज़ को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो जो पहला जो पोस्ट है यहाँ पे रखा गया है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। तो जूनियर इंजीनियर सिविल से जो लोग भी फॉर्म भरोगे उनका जो लेवल यहाँ पे होने वाला है वो लेवल सिक्स होने वाला है, और इसमें जो आपको पैसा मिलने वाला है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको पैसा इसमें मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टोटल जो सीट निकाला गया है वो 2 सीट है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 18 साल से 27 साल। अगर आपका 18 साल से लेके 27 साल के बीच में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड जो पोस्ट निकाला गया है जूनियर अकाउंटेंट के लिए निकाला गया है। इसका जो लेवल होने वाला है, इसका लेवल आपको लेवल 5 होने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें जो आपको पैसा मिलने वाला है 29,200 से लेके 92,300 तक आपको पैसा मिलने वाला है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूँ तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है एक ही सीट है, और इसमें जो एज के बारे में बता दूँ तो 18 से 27 साल के बीच में अगर आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थर्ड आता है अपर डिवीजन क्लर्क का। तो इसमें जो लेवल आपका होने वाला है वो है आपका लेवल 4, और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला है वो सैलरी आपको 25,500 से लेके 81,100 तक आपको सैलरी इसमें मिलने वाला है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सीट है एक सीट यहाँ पे दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो, और इसमें भी जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 27 साल के बीच में रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टोनोग्राफर के लिए निकाला गया है पोस्ट जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेड 2 के अंदर आता है, और इसमें जो लेवल आपको मिलने वाला है वो लेवल 4 ही मिलने वाला है, और इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाला है 25,500 से लेके 81,100 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूँ तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 3 सीट आपको मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो एज रखा गया है 18 से 27 के बीच में रखा गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितना कम सीट यहाँ पे निकाला जा रहा है, यार कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना कम सीट मत दिया, या तो दो और नहीं तो नहीं दिया करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन क्राइटेरिया में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एजुकेशन क्राइटेरिया में मांगा गया है पहला जो है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो आपका एसेंशियल रखा गया है, अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका वही चीज़ रखा गया है, डिग्री इन सिविल इंजीनियर, वही चीज़ है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, अगर आपने कॉमर्स से डिग्री प्राप्त किया है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो डिजायरेबल रखा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस आपको कैश या अकाउंटेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस या PSU ये सब में, आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइज मतलब कहीं पे अगर आपने प्राइवेट में भी किया था 3 साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें रहना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, अगर आपका किसी भी में भी डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और आपको इसमें जो डिजायरेबल मतलब मान्यता जो रखा गया है, अगर आपको इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इस सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, अगर आपने क्लास ट्वेल्थ पास किया किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको स्किल टेस्ट मतलब एक कंप्यूटर टेस्ट दिया जाएगा 80 WPM का, ठीक है, तो उसमें आपको पास होना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला जो है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट का यहाँ पे जो लिंक है 23 तारीख से ओपन हो चुका है, और इसका जो लास्ट एप्लीकेशन का जो डेट है वो 23/5, तो नेक्स्ट मंथ वाले 23/5, तो मतलब एक महीने का टाइम यहाँ पे दिया गया है, तो टाइम अभी बहुत अच्छी खासी टाइम है, तो आप लोगों को अप्लाई इसमें करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो CBT टेस्ट जो होगा वो मतलब फॉर्म के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में मैं बता दूँ, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 840 रुपया यहाँ पे रखा गया है, और ये 840 रुपया उन लोगों के लिए है जो लोग भी जनरल OBC कैटेगोरी से आते हो, और 500 रुपीज़ जो है उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग भी SC ST EWS से आते हो, और EWS एवं ओमेन कैंडिडेट हो, वो सभी लोग 500 रुपीज़ यहाँ पे दोगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो जो कि आप लोग यहाँ पे देख लेना, जो भी जिस कैटेगरी से आते हो वो अपना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब सिलेक्शन कैटेगरिया के बारे में मैं बता दूँ, तो इसमें जो आपका दो स्टेज में एग्जाम होने वाला है, पहला जो स्टेज एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 2 घंटा का एग्जाम होगा, 120 मिनट, मतलब कि 100 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। और फिर सेकेंड स्टेज में आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका उसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो चीज़ है आपको यहाँ से पढ़ लेना है कि वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप करके पेमेंट ये सब कटवा के अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ है आपको दिया गया है, ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन मोड से होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और इसका लास्ट डेट जो है 23/5/2022 तक है, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात तक, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। इसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप सिंपली जाके वहाँ से अप्लाई कर लेना, नोटिफिकेशन का भी साथ साथ मैं लिंक दे दूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ है आपको अपने से पढ़ लेना है, जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग सीधे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रूल एंड कंडीशन कुछ रखा गया है, तो ये सभी चीज़ आपको अपने से पढ़ लेना है, और यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, तो यहाँ पे नोट जो लिखा गया है कि आपका इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट और हिंदी एडवर्टाइजमेंट दोनों में आया हुआ है, जिस भी चीज़ में आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ को आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। और नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल मेल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये सब देख सकते हो कि यहाँ पे ये हिंदी में दे दिया गया है, तो आप अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आपको सिंपली जाके फॉलो एवं ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि मैं उस पर सबसे पहले अपडेट देते रहता हूं, तो आप लोगों को उस अपडेट से वंचित नहीं रहना है, जल्दी से जल्दी जाके आपको ज्वाइन करना है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन सभी जरूरतमंद इंसानों को ये जॉब की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, तो हमारे इस TDP चैनल पे कैट का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।